यूक्रेन पर रूस के हमले का 67वां दिन है। रूस ने अब तक इस लड़ाई को विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया, लेकिन बीते 18 दिन से रूस ने जो रौद्र रूप दिखाया उसको इस बात का संकेत कहा जा रहा कि 9 मई तक या फिर यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा या रूस के राष्ट्रपति पुतिन आर पार की जंग का ऐलान कर देंगे। बुलेटिन के रक्षा मंत्रालय को यह डर सता रहा कि 9 मई के बाद तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है। ये तस्वीरें रूस के हमलों से बेहाल यूक्रेन के शहरों की हैं। मारियोपोल के अजोवस्ताल इंडस्ट्रियल एरिया को रूस की मिसाइलों ने धुआं धुआं कर डाला है। राजधानी कीव से 26 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में इरपिन शहर खंडहर बन चुका है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अब रूस के लड़ाकू विमान और मिसाइलें आग बरसा रही हैं। यूक्रेन पर इन ताजा हमलों में नई बात यह है कि पहली बार रूस ने अपनी पनडुब्बियों से मिसाइलें दागी हैं। Уничтожены 3 тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонная. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 10 военным объектам Украины. Среди них 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичев. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन को दहलाने में लगी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर विक्ट्री डे परेड की तैयारियों में जुटी है। मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर 9 मई को पुतिन पूरी दुनिया को रूस की सैन्य ताकत की झांकी दिखाने वाले हैं। इसके लिए रूस के टैंक और लड़ाकू विमान 2400 घंटे रिहर्सल कर रहे हैं। पुतिन की इस तैयारी ने यूक्रेन पर रूस के धुआंधार हमलों से भी ज्यादा कोहराम मचा दिया है। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री बेन वॉलेस ने यूक्रेन और पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है कि वो 9 मई के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि उस तारीख के बाद पुतिन का कहर बड़े पैमाने पर टूटने का संकेत मिल चुका है। 9 मई को रूस में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण करने की बरसी को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन दुनिया भर के नाजियों के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर दें। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री की चेतावनी का सीधा सा मतलब यही है कि पुतिन यूक्रेन और उसके समर्थक देशों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन की जंग खत्म होने से पहले पुतिन जितने बड़े पैमाने पर विक्ट्री डे परेड की तैयारी कर रहे हैं उसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि 9 मई तक या उसके बाद पुतिन कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 1945 की ऐतिहासिक घटना को पुनः दोहराने के लिए यूक्रेन में डिसिसिव विक्ट्री का ऐलान करने के पहले हो सकता है कि वो यूक्रेन में काफी जबरदस्त आक्रामक गतिविधियां करें ताकि 9 मई को वो अनाउंस कर सके कि यूक्रेन के खिलाफ हमने मिलिट्री ऑपरेशंस में विजय हासिल की है और ये 1945 के बाद में दूसरा विक्ट्री दिवस है जिसमें रूस ने यूक्रेन और उसके मित्र देश अमेरिका और नाटो को भी शिकस्त दी है। 9 मई के बाद यूक्रेन अगर बचा तो पुतिन का क्रोध भयानक होने की वजह भी साफ है। पुतिन मान चुके हैं कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और नाटो के देश रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। многие у нас убеждены, что реально позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского? Ну, мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский. Эти контакты будут продолжаться. Украин ки сена Америка и Европа се миле хатиаро се лад рахи хе. Из бат се би Путин бехад гуссе ме хе. Ор Америка унке гуссе ки аг ме ги дальне ме жута хе. I just signed a request to Congress for critical security, economic, and humanitarian assistance to help Ukraine continue to counter Putin's aggression and at a very pivotal moment. We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well, but we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance.
अभी तक रूस की सेना यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को निशाना बनाकर अपना विरोध जता रही थी। पुतिन इस लड़ाई को युद्ध का नाम देने से भी बच रहे थे, क्योंकि उनका इरादा सिर्फ डोनबास इलाके को यूक्रेन से अलग करने का था। रूस की सेना का पूरा ध्यान डोनबास पर ही था। Сьогодні, одразу по завершенню наших перемовин в Києві, у місто полетіли російські ракети. 5 ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже, вимагає відповідної ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькій. यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनबास में रूस के जिस कहर का मातम मना रहे हैं, अब उतना ही भयानक हमला कीव पर भी शुरू हो चुका है। इन हमलों के साथ ही रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी देने की रफ्तार भी बढ़ा दी है, जिससे अमेरिका के माथे पर भी बल पड़ने लगा है। I think when you have a nation the size of Russia, with a nuclear arsenal that their size and capability, and a leader that's clearly as belligerent as Vladimir Putin, we have to take seriously the escalatory rhetoric that he and his leaders have been using lately. रूस की चेतावनी पर अमेरिका की इस चिंता को भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मॉस्को में 9 मई को राष्ट्रपति पुतिन कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। वो ऐलान यूक्रेन में रूस के मिशन की कामयाबी का होगा या फिर बड़े घमासान का, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पुतिन को ही पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।